दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं लोबिया की खेती में कौन कौन सी कीट और रोगों का प्रकोप होता है और उसको हम लोग कैसे आसानी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे कि लोबिया की खेती में एक एक करके कौन सी बीमारी आता है, कौन सी कीटों का प्रकोप होता है और उसको हम लोग कैसे सबसे अच्छा और सबसे सस्ता दवाओं से उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, यानी ए टू जेड इसके बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लोबिया की खेती में कौन कौन सी कीटों का प्रकोप होता है और उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहला जो कीट आता है वो होता है एफिड्स। एफिड्स एक सकिंग पेस्ट है, यानी रस चूसक कीट है, जो कि लोबिया की खेती में सबसे ज़्यादा अटैक देखने के लिए मिलता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप सबसे जो बेस्ट दवा आती है एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए वो होता है इमीडिया क्लोरोपिड 70% WG, जो कि बाज़ार में काफ़ी सारे नाम पर मिलता है, एडमायर मिलता है, एडफायर मिलता है। तो इसमें से आप लोगों को किसी को मतलब स्प्रे करना चाहिए जिसमें एमिडा क्लोरोपिड 70% WG आता है, उसको आप लोगों को 2-3 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो दो नंबर में कीट आता है वो होता है लिप माइनर। लिप माइनर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है लोबिया की खेती में, और लिप माइनर आप लोगों को पत्ते के ऊपर मैप की तरह देखने को मिलता है। कहीं कहीं इसको मैप इंसेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसको लिप माइनर एक्चुअली इसको बोलते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% का एक कॉम्बिनेशन आता है, बाज़ार में काफ़ी सारे नाम पे मिलता है, जैसे कि स्ट्राइक नाम पे मिलता है, कैनोन नाम पे मिलता है। किसी भी को आप लोगों को स्प्रे कर देना चाहिए 25-30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा प्रोफेनोफॉस भी 50% आता है, उसको भी स्प्रे कर सकते हैं, सेलक्रोन या फिर कैरिना नाम पर मिलता है, इसको भी सेम 25-30 ml मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा जो तीन नंबर में जो इंसेक्ट का प्रकोप होता है वो होता है पॉड बोरर। जैसे लोबिया का फसल लोबिया के मतलब लग जाएगा तो उस टाइम पे पॉड बोरर का अटैक देखने के लिए मिलता है। लोबिया के अंदर छेद करके ये लोबिया का जो दाना होता है उसको खा लेता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इवर्मेक्टिन बेंजोएट को 5% SG वाला जो आता है, जो कि प्रोक्लेम या फिर नागार्जुना का ट्रस्ट मिलता है, उसको आप लोगों को 6-8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा पॉड बोरर के लिए। या फिर उसके अलावा पायरीफॉक्सिपेन 5% इसी और फेनप्रोपथ्रिन 15% इसी को जो कॉम्बिनेशन का दवा आता है, जैसे कि सुमिप्रेम्त नाम पे मिलता है मार्केट में, उसको भी आप लोग 25-30 ml मिला करके स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में, और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा पॉड बोरर के लिए। और उसके अलावा लोबिया की खेती में और एक कीटों का प्रकोप होता है जिसको आप लोग येलो मोजाइक वायरस नाम पे जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पत्ता पीला पीला हो रहा है। और इसका जो मेन कारण होता है वो होता है सकिंग पेस्ट, यानी रस चूसक कीट, और इसके कारण ही आप लोगों को येलो मोजाइक वायरस देखने के लिए मिलता है। तो इसको तो आप लोग किसी दवा को स्प्रे करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार अगर वायरस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने से पहले अगर आप लोग स्प्रे करते हैं, यानी रोग लगने से पहले प्रिवेंटिव जिसको बोलते हैं, तो उससे आप लोगों को ये बीमारी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसको प्रिवेंटिव स्प्रे करने के लिए आप लोगों को एसीटामोप्रिड 20% SP या फिर थाइमेथोक्सिन 25% WG दोनों को मिला करके अगर स्प्रे करते हैं तो ये आसानी तरीके से नहीं लगेगा। और अगर उसके वो दवा नहीं मिल रहा है तो आप लोग एसीफेट 50% और इमीडिया क्लोरोपिड 1.8% SP फॉर्म पे मिलता है, जो कि लेंसर गोल्ड नाम पे भी मिलता है, उसको आप लोग स्प्रे कर देते हैं प्रिवेंटिव, तो भी ये येलो मोजाइक वायरस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सकिंग पेस्ट का कंट्रोल अगर पहले ही कर लेते हैं तो ये देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग येलो मोजाइक वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी बात कर लेते हैं लोबिया की खेती में कौन कौन सी रोगों का प्रकोप होता है। तो इतने सारे तो कीट के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात आती है रोगों का प्रकोप। तो लोबिया की खेती में ज़्यादातर रोग का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि शुरुआती अवस्था में एक आध रोग देखने के लिए मिलता है, जो कि कोलर रोट होता है या फिर पत्ता में लिप स्पॉट लगता है। जैसे कि शुरुआती अवस्था में कोलर रोट लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए थाइमेपेनेट मिथाइल को 70% WP वाला, यानी पाउडर फॉर्मूलेशन में जो मिलता है, उसको आप लोगों को 25-30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करने से कोलर रूट आसानी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा लिप स्पॉट को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कोपारोक्सीक्लोराइड को आप लोग 40-50 ग्राम
15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करने से भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये था दोस्तों लोबिया की खेती में रोग और कीट का प्रकोप और उसको आप लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर हम बहुत ही अच्छा अच्छा पोस्ट डालते रहते हैं, और उसको फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं।